चाली के सीने पर एक चिड़िया का टैटू बना है जिसका संबंध किसी देवता से है। समय के साथ वो चाली को अच्छे से जानने लगता है। फिर एक दिन स्टैनली अपने साथ काम करने वाली डॉक्टर डियाने को पिंजरे में लेकर आता है। अपने सामने एक खूबसूरत औरत को बैठा देख चाली बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाता है। वो जैसे स्टैनली का किया था उसका भी लिंग जांचना चाहता है, लेकिन ठीक समय पर स्टैनली उसे रोक देता है। वो उसे आकर्षित करने के लिए कुछ खाने के लिए देता है। डियाने भी उसे नाराज नहीं करती, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि अभी जो उसने खाया वो हिरन की पॉटी थी। इसके बाद चाली अपना कीमती नल उठा कर लाता है। वो इसके बदले डियाने को लेना चाहता है, लेकिन स्टैनली उसे साफ मना कर देता है। ठुकराए जाने के बाद चाली दुखी हो जाता है। अब पता चलता है कि वो एक शादीशुदा आदमी है और डियाने उसे उसकी बीवी और उसके दो बच्चों की याद दिलाती है। तभी आसमान से एक हेलीकॉप्टर उड़ता दिखाई देता है। चाली बहुत इमोशनल हो जाता है और उसकी तरफ देखकर बीटा बीटा चिल्लाने लगता है। अब हेलीकॉप्टर के चले जाने के बाद वो शांत हो जाता है। उसके बाद चाली किसी से भी बात करना बंद कर देता है। वो अपने शरीर पर कई अजीब आकृतियां बनाता है। लगता है जैसे वो किसी धार्मिक संस्कार की तैयारी कर रहा है, जिसे देख स्टैनली बहुत ज्यादा भ्रमित हो जाता है। वो बर्फ में रहने वाली एक जाति से मिलता है, जहां उसे मालूम चलता है कि प्राचीन हिमवासी विश्वास करते थे कि बीटा नाम की एक चिड़िया होती है जिसे भगवान का दूत माना जाता था।